आज हम ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर गरीब भी अमीर है। ये एक richest कंट्री है, उसके कल्चरल शॉक्स के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि इंडियंस बेसिकली यहां पर शॉक्स देखते हैं। ये कंट्री है लक्जमबर्ग, जो कि वर्ल्ड richest कंट्री है, और इसमें बहुत सारे कल्चरल शॉक्स हैं जो बहुत एक्साइटिंग होने वाले हैं आप लोगों के लिए। द बेस्ट पार्ट इज मैंने जॉब से रिलेटेड वीडियोज बनाया था, तो दैट मीन्स कि यू आर इंटरेस्टेड इन लक्जमबर्ग। तो उससे पहले हम देख लें कि यहाँ के कल्चरल शॉक्स कौन कौन से हैं इंडियंस के लिए। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करें। Then let's get started. और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंट्री जो है ये एक मॉडर्न कंट्री तो है ही है, साथ ही साथ ये जो है अपने सारे ट्रेडिशन कल्चर्स जो इनके कल्चर्स हैं वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप किसी भी टाइम पर इनकी कंट्री में विजिट करोगे तो आपको बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो देखने मिलेगी, इवेंट्स देखने मिलेंगे, इवन क्रिसमस मार्केट्स देखने मिलेंगे क्रिसमस टाइम पे, या फिर समर मार्केट्स देखने मिलेंगे, या इनका जो लोकल कल्चर या फेस्टिवल्स हैं वो सब चीज़ें आपको देखने मिलेगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा कल्चरल शॉक है, जो कि ऑफ कोर्स इंडिया से तो नहीं है बट दूसरी कंट्रीज से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ में मॉडर्न कल्चर नहीं है यूरोपियन कंट्रीज़ में, वेयर एज यहाँ पर मॉडर्न के साथ साथ एक आपको ट्रेडिशनल कल्चर भी दिखेगा। द फैक्ट इज़ इस कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, क्योंकि खुद की कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे लक्जमबर्गिश हो गई, फ्रेंच हो गई और जर्मन हो गई। इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश भी बोली जाती है। तो जब नॉर्मली जो लोग वहाँ पर रहते हैं या विजिट करते हैं तो वो ये देखते हैं कि एक पर्सन को जो है वो 8 से 10 लैंग्वेज आना जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो आप भी जो है वो अमेज हो जाओगे कि यार इतनी सारी लैंग्वेजेस कैसे आती है एक पर्सन को। तो वहाँ के जो लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं वो काफ़ी टाइम से रहते हैं, उनको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आती हैं, ये 3 तो आती हैं। इसके अलावा इंग्लिश जो है वो वाइडली वहाँ पर बोली जाती है, इसकी वजह से इंग्लिश भी जो है वो लोग बोलते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आसपास की जो एरियाज़ की लैंग्वेजेस हैं या कंट्रीज़ की लैंग्वेजेस हैं वो वहाँ के लोग बोल जाते हैं। तो बहुत ही कल्चरल शॉक है ये हम लोगों के लिए कि यार इतनी सारी लैंग्वेज आपको आती है एक ही कंट्री में, जो कि एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है। जब आप किसी न्यू कंट्री में शिफ्ट होते हो या विजिट भी करते हो घूमने के लिए, तो एक चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा शॉक होता है जब हम यहाँ पर मूव करते हैं, जो लक्जमबर्ग में भी है, वो ये है कि जो लोकल लोग होते हैं, लोकल वहाँ के लोग, वो आपको ग्रीट करते हैं, वो भी अननोन लोग। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अननोन लोग जो है वो आपको ग्रीट करेंगे और आपको उस टाइम पे ऐसा फील होगा क्या यार मैं इसको या इसको जानता हूँ, बट नहीं, ये एक कॉमन गेस्चर होता है इस कंट्री में जहाँ पर लोग जो है वो आपको ग्रीट करेंगे। ग्रीटिंग जो है वो नॉर्मली ये लोग शेक हैंड करके करते हैं, तो शेक हैंड करके ये आपको ग्रीट करेंगे स्माइल करके, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो अगर इस तरीके की कुछ चीज़ आप देखो तो ऑफकोर्स शॉक मत होना, क्योंकि ये तो आपको वहाँ पर देखने मिलेगा बहुत ही कॉमनली। अगर आपको कोई बोले शर्मा जी, वर्मा जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको शॉकिंग नहीं लगेगा क्या कि हमारे यहाँ बोलते हैं, बट हमारे यहाँ एक इज्जत रिस्पेक्ट से बोलते हैं और वो भी एक कॉमन सा नाम बन जाता है, पर ये सब लोगों के लिए जो है वाइडली नहीं होता। पर यहाँ पर इस कंट्री में आपको सरनेम से पहचाना जाता है, आपकी नेम प्लेट्स जो है वो सरनेम से लगी रहती है आपके घर के बाहर, प्लस उससे ही आपको पहचाना जाता है। जैसे अगर आप, जैसे मैं सुरभि भावसर हूँ, तो मेरे को सुरभि के नाम से शायद यहाँ पर कोई भी नहीं पुकारेगा, भावसर, मिसेस भावसर और मिस भावसर इस तरीके से पुकारेगा, जो कि एक शॉक लगा था मुझे, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से क्यों बोलते हैं लोग यार सरनेम से। एक सरनेम तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ शर्मा जी जो है वो बहुत ही कॉमन सरनेम है, तो बहुत सारे शर्मा जी हो सकते हैं एक बिल्डिंग में, तो आप कैसे पहचानोगे। पर ये जो है ये बहुत ही कॉमन है यहाँ पर, जो कि एक बहुत ही बड़ा शॉक है हम लोगों के लिए। इस कंट्री के लोग बहुत ही ज़्यादा क्वाइट होते हैं और रिजर्व्ड होते हैं। तो जब आप यहाँ पर जाओगे तो ऑफकोर्स हम लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं, हम जो दूसरे लोग, दूसरे कंट्री के लोग होते हैं उनसे बहुत ईजिली बात कर लेते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, जेलअप हो जाते हैं। पर यहाँ के लोग बहुत ही क्वाइट और रिजर्व्ड हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनके फ्रेंड्स नहीं बन सकते या वो आपसे जेलअप नहीं होंगे, होंगे, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो कि बहुत शॉकिंग हो जाता है कभी कभी लोगों के लिए जो वहाँ पर मूव करते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा टाइम देना होता है ताकि वो लोकल लोगों के साथ जेलअप हो, और जब वो लोकल लोगों के साथ जेलअप हो जाते हैं तो कोर्स लाइफ जो है वो बेटर हो जाती है इस कंट्री में। मेरे दिमाग में एक चीज़ थी जो कि मुझे यहाँ पर आके एकदम ओपन हो गई, कि यार वेस्टर्न कंट्रीज़ में या यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग जो हैं वो डिसीज़न, अपने डिसीज़न खुद लेते हैं।
हमारे इंडिया में अपने डिसीजन हो सकता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स लें, आपके पेरेंट्स लें, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बट यहाँ पर भी ऐसा है, लग्जमबर्ग में जो है वो डिसीजन बेसिकली एडल्ट्स लेते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो आपके बच्चे की टेक केयर करते हैं। प्लस मोस्ट ऑफ द लोकल्स जो होते हैं वो अपनी कंट्री या अपनी जो जगह होती है, बोलते हैं ना कि गाँव छोड़ के नहीं जाते हैं, अपने टाउन छोड़ के नहीं जाते हैं, वो छोड़ के नहीं जाते हैं, अपने बच्चों की देख रेख करते हैं। प्लस आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो आपको ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं, मतलब वो बेसिकली इंडिया में जो कल्चर है वैसा कल्चर यहाँ पर है, जो ऑफकोर्स इंडिया से तो सिमिलर है पर मुझे वेस्टर्न कल्चर या यूरोपियन कल्चर में ऐसा लगा कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, जबकि ये कंट्री बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है इंडिया से। अगर हम बात करें ग्रैंड पेरेंट्स की, ग्रैंड चिल्ड्रंस की, प्लस हम भी अपने गाँव को छोड़ के नहीं जाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम एक ना एक दिन जो है वो अपने गाँव या अपना देश जो है वो वापसी करें। इस कंट्री के लोगों की भी सोच जो है वो एकदम ऐसी ही है। ये करना जो है वो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है, मैं आपको समझाती हूँ क्यों। अगर आपको लोकल लोग जो है वो खाने के लिए बुलाए, होस्ट करें पार्टी या किसी भी डिनर पार्टी के लिए, लंच पार्टी के लिए बुलाए, और अगर आप वहाँ पर जाओ तो जो एल्बो अगर आप टेबल पे रखोगे तो ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है, मतलब करना ही मत, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा माना जाता है यहाँ पर। प्लस एक और शॉकिंग चीज़ ये है कि अगर आपको कोई होस्ट कर रहा है तो जब तक वो खाना स्टार्ट ना करे तब तक आप खाना स्टार्ट नहीं कर सकते हो। एक बोलते हैं ना कि यार हमारा घर है तो हमारे हिसाब से रूल बनेंगे या हम जो बोलेंगे वैसा ही होगा, इस कंट्री का भी सेम फंडा है। फंडा तो नहीं बोलेंगे बट ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा ही होता है। तो इस कंट्री की एक और बात बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही अमेजिंग है, अनलिमिटेड इंटरनेट एवरीवेयर। कहीं पर भी आप जाओगे आप इंटरनेट जो है वो यूज़ कर सकते हो अनलिमिटेड। लोग जो है वो मूवीज़ देखने के लिए और भी बहुत सारी स्ट्रीमिंग करने के लिए पब्लिक इंटरनेट है वो यूज़ करते हैं, मतलब आपको घर में इंटरनेट लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। मतलब ये तो मैंने एक जोक मारा, बट हाँ यहाँ पर सब लोगों के लिए अनलिमिटेड इंटरनेट है, तो आप जो है वो इंटरनेट कहीं पर भी जाओगे अपने फ़ोन पर चला सकते हो, अपने लैपटॉप पर चला सकते हो, या फिर आपके पास और कोई गैजेट्स हैं उस पर चला सकते हो, जो बहुत ही शॉकिंग लगा। प्लस जो लोग टूरिस्ट होते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है, क्योंकि ये ऐसे नहीं होते हैं कि बिल्कुल लो स्पीड पे चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड पे जो है आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बोला, लोग मूवीज़ देखने के लिए भी इंटरनेट जो है वो यूज़ करते हैं, वो भी पब्लिक इंटरनेट। आप कहीं पर रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाओ और आपसे वेटर आके पूछता रहे थोड़ी थोड़ी देर में, सब कुछ ठीक है, मैं ये ले आऊँ, और कुछ ऑर्डर करना है, फिर आए, सब कुछ ठीक है, आपको लगेगा यार ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। और बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पर लोग जनरली ऑर्डर लेते हैं और उसके बाद सिर्फ बिल लेने के लिए जब उन्हें पैसे लेने होते हैं तब आते हैं, बट लग्जमबर्ग जो है वो बहुत ही डिफरेंट कंट्री है और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ से। तो यहाँ पर वो कोई आपको परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि एकदम जेन्युइन तरीके से पूछने के लिए कि यार सब कुछ ठीक तो है, आपको और कुछ तो नहीं चाहिए, इसलिए वो आते हैं। तो इंडिया में भी ऐसा होता है, तो कभी कभी मुझे लगता है यार क्यों बार बार आ रहे हो, जब मंगाना होगा हम मंगा लेंगे, और यहाँ पर भी ऐसा होता है। तो ये वाला भी जो कल्चर है वो इंडिया से बहुत सिमिलर है बट यूरोपियन कंट्रीज से बहुत डिफरेंट है। जैसे कि मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं जब वहाँ पर जाती हूँ तो वहाँ पर बहुत ही डिफरेंट लगता है। टेम्परेचर कितना हो रहा है, 74 degrees Fahrenheit है, ये क्या होता है। इस कंट्री का बहुत ही डिफरेंट मैट्रिक सिस्टम है, यूनिक मैट्रिक सिस्टम है, जैसे हम मीटर, किलोग्राम या फिर डिग्री सेल्सियस इस चीज़ों में जो है बात करते हैं, यहाँ पर लोग जो है वो बात करते हैं पाउंड्स में, फ़ारेनहाइट में, जो कभी कभी लगता है यार ये क्या होता है, फ़ारेनहाइट में पहले हमको कन्वर्ट करना पड़ता है, हम कन्वर्ट करें या नहीं करें। तो बहुत ही यूनिक सा मैट्रिक सिस्टम होता है जो स्टूडेंट्स को काफ़ी बार जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि बिकॉज सभी लोग जो है वो इसी तरीके से या इसी लैंग्वेज में बात करते हैं, जिससे थोड़ा सा क्योंकि हमारे माइंड में होता है कि हम कन्वर्ट करें। अब कोई पाउंड्स में बात करेगा तो हमें पता नहीं होगा यार पाउंड्स में किलोग्राम में कितना क्या है, ऑफकोर्स थोड़ा बहुत आइडिया होता है बट एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि हम लोग जो हैं वो केजी में बात करते हैं या डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पर लोग जो है वो बहुत अमीर हैं, गरीब भी बहुत अमीर है, मतलब यहाँ के लोकल्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं। और इस ये ऐसे देखने मिलता है कि जो लोकल सुपरमार्केट्स होते हैं या ऐसे ही पार्क्स होते हैं या घूमने फिरने के एरियाज़ होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, उसमें लोकल लोग
प्लस बूढ़े लोग जो हैं वो बिल्कुल नहीं दिखते हैं, यंग एज या 30s में, 40s में, 20s में टीनेजर्स वो ही दिखते हैं, क्योंकि वो लोग जो हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव जगह पे हैंग आउट कर रहे होते हैं या घूम फिर रहे होते हैं या अपने जो हैं हॉलीडेज या टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा अमीर ऐसे ही कहलाते हैं, और बोला जाता है कि पूरे यूरोपियन यूनियन से काउंट करो तो भी इस पर्टिकुलर कंट्री के लोग जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा बिलियनियर्स हैं देन पूरे यूरोपियन यूनियन से। तो इसी से पता चलता है कि वो लोग जो हैं वो पता नहीं कहाँ पर हैंग आउट कर रहे होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा अमीर लोग हैं, और ये एक सच्चाई है क्योंकि यहाँ पर एवरेज सैलरीज भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, प्लस जो लोकल लोग हैं वो ऑलरेडी अमीर हैं, तो वो अपना एम्पायर खड़ा कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं या कहीं पर अच्छी अच्छी जगह पर खा पी रहे होते हैं। एक और शॉकिंग चीज़ जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है हम इंडियंस के लिए और स्पेशली मेरे लिए, वो ये है कि ये कंट्री में सिर्फ 6.5 लाख की पॉपुलेशन है, जनसंख्या। ये बहुत ही छोटी कंट्री है और इस छोटी कंट्री में फिर भी इतना ज़्यादा मॉडर्न और ट्रेडिशनल कल्चर है। मतलब मेरे लिए इस तरीके का कॉन्सेप्ट ही नहीं था कभी कि इतनी छोटी कंट्री जहाँ पर सिर्फ 6.5 लाख लोग जो हैं वो रहते हैं, लाइक पॉपुलेशन इतनी है प्लस इतनी सारी लैंग्वेज बोली जाती है, तो ये खुद में ही बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। प्लस अगर आप विजिट करोगे लग्जमबर्ग में तो आप खुद ही देखोगे कि यार ये कितना ज़्यादा मॉडर्न आर्किटेक्चर है, मॉडर्न कल्चर है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग वेरी few people जो economy में जो है वो contribute कर रहे हैं इनकी। plus जो सबसे important point है जिसके लिए आप interested हो वो है salary। यहाँ पर और यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें उससे काफ़ी ज़्यादा हाई सैलरी है। एवरेज सैलरी जो है यहाँ पर लोगों को नेट 2 लाख के करीब तो यहाँ पर लोगों को मिलता ही है हाथ में इन हैंड, वेयर एज यहाँ पर सैलरीज जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा तक आती है। एक एवरेज पर्सन जो है वो यहाँ पर 7 से 8 हज़ार यूरोज़ जो है कमाता है, लाइक अगर हम IT प्रोफेशन की बात करें या और जो स्किल लेबर की बात करें, वेयर एज अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन है तो उसके हाथ में 2080 यूरोज नेट सैलरी जो है वो मिलती है, जो काफ़ी ज़्यादा है इवन जर्मनी से या फिर मैं और यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें। इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आपको सबसे ज़्यादा शॉकिंग कौन सा लगा? अभी भी कुछ कल्चर शॉक जो है वो मेरे पास हैं जो कि मैं आपसे मे बी नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। अगर आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइब कर दोगे हमारे चैनल को, और इस वीडियो में अगर अच्छे व्यूज़ आते हैं, कमेंट आते हैं, तो हम जो है वो सेकेंड पार्ट आप लोगों के लिए लेके आएंगे। बाकी ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए आप लोगों को बताने के लिए कि लग्जमबर्ग जो है वो कितनी डिफरेंट कंट्री है, कितनी अच्छी कंट्री है अगर आप यहाँ पर काम करना चाहते हैं। प्लस शॉकिंग चीज़ें जो थी वो मैंने आपको बता दी। कौन सा सबसे भारी वाला शॉक लगा आपको वो कमेंट करना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, वो करे बिना मत जाना।